नेक्स्ट ग्रुप इज थर्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप के कैटायन है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस थ्री आयरन प्लस थ्री एंड एल्यूमिनियम प्लस थ्री फिकरल फिकरअल अब याद करने का तरीका है कैसे भी याद कर सकते हो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनिया सोल्यूशन डालेंगे इन प्रजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की प्रजेंस में तो ये जो है ये क्या बना देंगे हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे Fe बना देगा एफ ई ओ एच थ्राइस क्रोमियम बना देगा सी आर ओ एच थ्राइस तीन तीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तीनों एल्यूमिनियम बना देगा ए एल ओ एच थ्राइस इनके पी पी टी का भी कलर कई बार पूछ सकते हैं आयरन ब्राउन पी पी टी क्रोमियम ग्रीन पी पी टी बनाता है एल्यूमिनियम ओ एच थ्री जिलेटेनियस वाइट पी पी टी तो क्या करेंगे अब थ्योरी बताओ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है वो हाइड्रोक्साइड आयन इनसे मिलके इनके हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं और वो पीपीटी आउट हो जाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कम ओ एच प्रोवाइड करता होगा तो कम ओ OH एच की कंसंट्रेशन मिलेगी तो और वो सफिशियंट है इनके पी बनाने में तो हम लिखेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड कैटायन आर वेरी लो मतलब आई पी इज ग्रेटर दैन एस पी सोलिबिलिटी एस पी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट विच आर लो सो दीज आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर हाइड्रोक्साइड्स इन प्रजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जो हायर कैटायन है फोर्थ ग्रुप में है अब थर्ड ग्रुप की बात चल रही है तो उससे हायर फोर्थ हुआ फिफ्थ हुआ सिक्स हुआ तो इनके जो कैटायन है उनके एस पी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है हाई है तो इस वजह से वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं होते इस ग्रुप में जब इसकी टेस्टिंग चल रही है तब प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते अब चलो ठीक है प्रेसिपिटेट आउट हुए तो ये अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड किया हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा तो अमोनियम क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिर से वही कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है अमोनियम आयन अमोनियम आयन तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोशिएशन ऑफ अमोनिया इज सप्रेस्ड सो वी हैव लेस अमोनियम आयन एंड लेस ओ एच नेगेटिव आयन तो ओ OH एच की कंसंट्रेशन देखो अमोनिया वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके डालने पर ओ OH एच की कंसेंट्रेशन और कम हो गई और वो कम सफिशेंट है इन तीनों के लिए ये तीनों उसी कम कंसेंट्रेशन में अपने प्रेसिपिटेट बना लेते हैं लेकिन जो हाइयर ग्रुप के हैं उनको ज़्यादा ओ OH की कंसेंट्रेशन चाहिए उनको ज़्यादा ओ एच कंसेंट्रेशन मिल नहीं पाएगी तो वो अपने पी नहीं बना पाएंगे वो सोल्यूबल फॉर्म में पड़े रहते हैं और उनके लिए हमें फर्दर और टेस्ट करने पड़ते हैं वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनाते तो आया समझ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है पीपीटी बनाने के लिए इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड साथ में अमोनियम क्लोराइड क्यों डाल रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोशिएशन को और कम कर दे और कम कर दिया तो ओ एच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी और हाइयर ग्रुप के कैटायन प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे नेक्स्ट ग्रुप इज फोर्थ ग्रुप कोबाल्ट, निकल सत्ताईस, अट्ठाइस एम एन जिंक प्लस टू मैंगनीज प्लस टू जिंक प्लस टू कोनी मंजन याद कर सकते हो कोनी मंजन यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है एच टू एस गैस देखो एच टू एस गैस हम सेकेंड ग्रुप में भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट पढ़ चुके हैं लेकिन वहाँ क्या था डल्यूट एच सी एल यहाँ पर क्या है बेसिक मीडियम वो था एसिडिक मीडियम या फिर एच टू एस गैस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं वही बेस बेस है अमोनिया तो थ्योरी क्या हुई दिख रहा है सल्फाइड की फॉर्म में आएंगे प्रेसिपिटेट कॉपर को, सॉरी कोबाल्ट सल्फाइड निकल सल्फाइड मैग्नी सल्फाइड जिंक सल्फाइड तो सल्फाइड की फॉर्म में तो पीपीटी बनेंगे तो हम कहेंगे सल्फाइड ऑफ ग्रुप फोर्थ हैव हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा उल्टा है अभी तक हम कह रहे थे लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेकिन इनके सल्फाइड हाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के हैं कहाँ पढ़ी थी हमने ये बात सेकेंड ग्रुप में जब हम कह रहे थे कि जो सेकेंड ग्रुप के सल्फ़ाइड हैं उनके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लो हैं बाकियों के तो हाई हैं तभी वो सेकेंड में प्रेसिपिटेट नहीं हुए तो यहाँ पर भी वही बात मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि जो फोर्थ ग्रुप के सल्फ़ाइड हैं वो तो हाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले ही हैं तो जब हाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो तब तो पी नहीं बनते तो पी तो सिर्फ इस कंडीशन में बनते हैं कि जब लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो तो लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कब करें तो लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि हमें आईपी बढ़ाना पड़ेगा आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब अगर एस टू नेगेटिव है और कोबाल्ट प्लस टू है तो उन दोनों की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट दैट इज आई तो आई बढ़ाना पड़ेगा अब कोबाल्ट तो जितना हमें सोल्यूशन में किसी ने दे दिया मिक्सचर में उतना ही है तो हम क्या करें अपने सल्फाइड की कंसन्ट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं और पी बना सकते हैं तो अब सल्फाइड की कंसंट्रेशन हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ये डालना पड़ेगा अमोनिया सोल्यूशन अब अमोनिया ने ऐसा क्या किया कि सल्फाइड की कंसंट्रेशन हाई हो गई और ये सारे पीपीटी की फॉर्म में आ गए या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस ग्रुप देखो एच टू एस हमने पहले भी कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी डिसोशिएशन दिखा सकते हैं दिस और हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं उसकी डिसोसिएशन है एनएच फोर प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव दैट इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट अब यहां कोई कॉमन आयन तो है नहीं टू एच प्लस प्लस एस टू नेगेटिव एनएच फोर प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव अमोनिया अमोनिया डिसोशिएट होके ओ एच नेगेटिव आयन देता है और एच टू एस डिसोशिएट होके टू एच प्लस एच पॉजिटिव आयन दे रहा था तो ये जो अमोनिया के ओ OH एच नेगेटिव हैं वो उस एच पॉजिटिव से कंबाइन होके वाटर बनाते हैं तो जब इस रिएक्शन को देखो फर्स्ट रिएक्शन को ली एट प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि जहाँ कमी हो रही है किसी चीज़ की रिएक्शन उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है क्योंकि टू एच पॉजिटिव आयन आर कंज्यूम्ड बाय दीज ओ एच नेगेटिव आयन ये इनको खा रहे हैं तो यहाँ पर एच पॉजिटिव की कमी हो रही है तो एच टू एस की डिसोसिएशन बढ़ जाती है और टूटेगा ये और राइट हैंड साइड जाएगा तो जैसे और ज़्यादा ज़्यादा डिसोशिएट होगा राइट हैंड साइड जाएगा तो एस टू नेगेटिव भी तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बनेगा तो एस टू नेगेटिव ज़्यादा बनेगा मीन सल्फाइड की कंसनट्रेशन बढ़ गई सल्फाइड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई वही हमें ज़रूरी थी फोर्थ ग्रुप में कोबाल्ट, निकल मैंगनीज और जिंक के प्रेसिपिटेट बनने के लिए सो फर्स्ट रिएक्शन ऑन एडिंग दिस विल गो टू आर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन सो मोर एंड मोर सल्फाइड विल प्रोड्यूस और उसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट